इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। न शरीर हमारा, न हाथ हमारे, न मुख हमारा, कुल मिलाया जाए मैं कर रहा हूं। मैं कौन है? मैं है कौन? हाथ हमारा थोड़ी सी हवा तीव्रता ले ले तो हाथ को दूसरे लोग उठाते हैं। मुट्ठी बांधिए, पहले ऐसे बांधते थे, अब दूसरा मतलब आएगा। मुंह इधर का इधर चला जाता है, इधर का इधर चला जाता है, कहीं लंबा हो जाता है। क्या जो हम हमारा मानते हैं ये भी हमारा नहीं? तो अभिमान किस बात का हम करेंगे? किसी बात का अभिमान नहीं। अभी तो थोड़ा हिला है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो भदोही में काम हो जाता है। थोड़ी तीव्रता में 70,000 चले गए, क्या हुआ? भूकंप। भू धरती माई कंपित भई, बस हाय हाय चल रहा है। अभिप्राय यह है, जो कुछ है सब प्रभु का है, यह मान। श्री हनुमान जी ने रावण से क्या कहा? जाके बल लव लेसते, जिते हु चराचर झारी, तास दूत। कौन? मैं। जाकर हरिया निसु प्रियनाथ। राम जी कर हनुमान जी कुछ अपना कहते नहीं। भगवान ने लौटने पर जब पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहु दुर्ग अति भंका। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? प्रभु मैं नहीं जानू, सिंधु नाग हाट कपुर जारा, निश्चर गन बद्ध विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। महावीर भरपरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूछने पर युद्ध किसने लड़ा, अर्जुन को अभिमान था मैंने लड़ा। बीरवर बर्बरीक ने कहा, मैंने किसी को लड़ते नहीं देखा, एक हाथ इधर से आ रहा था और दूसरा इधर से जा रहा था, सारा युद्ध इन्होंने ही लड़ा, इन्होंने माने कन्हैया ने लड़ा। भाई बाप हम आपसे केवल एक ही बात निवेदन करेंगे, सब कुछ प्रभु करते हैं। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलेन कोई फूल। ये खिला रहेगा, ये नकली है, ये 9 दिन बाद ऐसे ही रहेगा। कन्नौज के पास कथा नकली फूल की दर्शन, आहा क्या नगरी है साहब। दुनिया में इतर कन्नौज भी भगवान ने खूब गढ़ा है, हो हाँ, भगवान ने हिसाब बनाया है। दो नगर ऐसे हैं इस प्रदेश में, एक कन्नौज और एक भदोही,
जब तक इनकम टैक्स हाथ नहीं दिखाता है तब तक रुपया दिखाई। जैसे इनकम टैक्स आया निकार निकार पड़ोसी क्या फेंक जा रहे थे। अद्भुत है महात्मा, एक महात्मा थे कन्नौज में, परम संदेह अब्बू लाला जी, हो क्या विभूति थी। मैं कन्नौज से निकलता तो उनके दर्शन करता था, अद्भुत महात्मा। गृहस्थ भाव में विरक्त रहते, निकट से दर्शन किया कई बार। मैं आपसे विनय करूं, इस भाव के लिए हमारी सभी उपलब्धियां परमात्मा की, बच्चों से मिले भगवान की, भाई से मिले भगवान की, माई से मिले भगवान, परिवार के किसी स्वजन से कोई उपलब्धि प्राप्त हो तो स्मरण रखिए सब भगवान की कृपा है। भगवान जब तक चाहते हैं तब तक सुख रहता है, भगवान नहीं चाहते हैं सुख नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। जीव के कर्म जब विकृत हो जाते हैं तो वही सुख दुख में बदल जाता है। लक्ष्मण भैया आगे सुनाएंगे, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग सब काहुन को। कोई आप में से कोई हमको सुखी नहीं कर सकता, हम आपको सुखी नहीं कर सकते। कौन करता? आपके कर्म आपको सुखी करेंगे, हमारे कर्म हमको सुखी करेंगे। कर्म का खेला है, कर्म बिगड़ना नहीं चाहिए। एक कोई गीत है ना, कर्मन की गति नारी हो, एक दूसरा कर्मा की रे खा न्यारी विधना तारी नाई करे, तारी नाई करे रे विधना तारी नाई करे, कर्मा की रे खा न्यारी विधना। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धे, सिया जू को हारन मरन दशरथ को बन बन राम फिरे, कर्मा की हाँ कर्मा की रे कान्यारी विधना तारी ना, ओ कर्मा की रे न्यारी विधना। मित्रों यह अपने हाथ में है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। कर्म अच्छा होना बुरा होना ये हमारे हाथ में है, कर्म बुरा करने में या तो न करना, करना तो अच्छा करना। हम कथा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कथा किसकी? राम जी की। बस राम जी की कथा कर रहे हैं तो राम जी की कथा करना, और कुछ नहीं करना। कथा करना भगवान की, सबको भगवान के भाव से परिचय कराना। मैं इस पर निवेदन कर रहा हूं, प्रसन्नता या नगताभिषेकता, भगवान को अभिषेक होगा इस पर मेरे राम जी प्रसन्न नहीं हुए, फूल कर कुप्पा न हो गए। इसलिए जब वनवास की रचना बन गई तो भगवान को दुख नहीं हुआ, तथा न ममले वनवास दुख है। अपमान कोई किसी का नहीं करता है, जिसको सम्मान की चाहत होती है उसी का अपमान होता है, जिसको सम्मान की चाहत नहीं होती है उसका कौन अपमान करेगा। सोचिए,
आप में से कोई श्रीमंत हो सोच के आवे, हेमभूषण जी राम कथा गर्द गाते हैं तो खूब सोफा लगे रहते हैं, चलकर ऊंचे सोफा पकड़ूंगा। यहाँ तो टाट पटियो न, यहाँ तो आनंद बा। हाँ बैठिए। अबे भैया अभी सिद्ध हैं एकदम, कोई मतलब नहीं, चाहे कोई आवे चाहे जावे, जनरेटर बंद हो जावे, कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। हमसे भी बड़ा सिद्ध है, हिला हिलता है क्या एकदम। कथा सुनना है महाराज, चाहे साउंड से सुनावे चाहे पाउंड से सुनावे, कथा सुनना है इनको। हाँ ऐसी बहू भी मिल गई है, उसको भी हलचल नहीं होती, केवल कथा में दोनों पति पत्नी बैठे हैं। अब चाहे बरसे चाहे जरे कोई मतलब नहीं, हम तो आ गए बस। ऐसा श्रोता मिलता है क्या? नहीं। प्रकाश भैया का फोन आया तो बोले सरकार यजमान का सामने का सिद्ध है। क्या मतलब? हमने कहा कथा के अलावा कोई सुनते ही नहीं, केवल कथा भैया। ये देखो आप, ये भी सबके बस का नहीं, छोटा काम नहीं है। कथा में बैठकर भगवान में लगे रहना सरल काम नहीं, एकदम सरल काम नहीं, बहुत कठिन है वो। जीव कितना खट कर्म करता है, हर कथा में हमको बोलना पड़ता है ऐसा करी शांत रहो। भगवान प्रसन्न हुए नहीं इसलिए उनको दुख भी भया नहीं। आपको जिससे जितनी अधिक प्रसन्नता होगी उसी से उतना गहरा दुख प्राप्त होगा। आपको जिसमें ममता बढ़ी वही आपके मरण का कारण बन जाएगा। जड़ भरत जी का हिरण कारण बन गया, अगला जन्म हिरण का हो गया ना। सब पर मोरी बराबर दाया, बराबर रखिए, किसी से बहुत उलझिए नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।